हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स डायरेक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सऊदी अरेबिया का जॉब वैकेंसी के बारे में। तो एक फैसिलिटी एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस कंपनी का जॉब वैकेंसी निकला है, जिसका इंटरव्यू मोड जो है वो टेलीफोनिक होगा। यानी पहले टेलीफोन के माध्यम से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपका जूम इंटरव्यू लिया जाएगा। तो उसमें क्या क्या पोजीशन है उसके बारे में भी देखेंगे, कितना आदमी की ज़रूरत है ये भी देखेंगे। और मेन चीज़ है, इसमें सैलरी पैकेज जो है सबसे हाई दिया जा रहा है, 15,000 सऊदी रियाल से लेके 22,000 सऊदी रियाल तक है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपडेटेड रहिए। हर एक वीडियो में आपको जॉब वैकेंसी के पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो है फैसिलिटी एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस कंपनी का जॉब वैकेंसी सऊदी अरेबिया के लिए, तो इसका इंटरव्यू जो है वो टेलीफोनिक होगा या फिर जूम इंटरव्यू के माध्यम से हो जाएगा। दोस्तों, सैलरी पैकेज दिया गया है 15,000, यानी 3.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन ये जो सैलरी पैकेज है दोस्तों, इसी में आपका ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन एंड फूड अलाउंस सब कुछ मिला हुआ है। यानी आपको दूसरा कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा खाने के लिए या फिर आने जाने के लिए। कंपनी की तरफ से आपको कोई बस का सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और जो एकोमोडेशन रहने का, वो भी आप अपना मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन उसका भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। बस उतना सैलरी से आपको ही सब मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है टेक्निकल एरिया में, जैसे कि रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। तो इसमें आपका 10 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद है इंडियन एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, ये गुड न्यूज़ है। यानी आपका गोल्फ एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चल जाएगा दोस्तों। इंडियन एक्सपीरियंस है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन गोल्फ एक्सपीरियंस है तो प्रीफर करता है, यानी आपको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होना चाहिए, कौन से फील्ड में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में या फिर केमिकल में, ठीक है दोस्तों। तो आपका ड्यूटी कितना घंटा का रहेगा, 8 घंटा का ड्यूटी रहेगा। और वीकली आपको 2 दिन छुट्टी मिलेगा, यानी फ्राइडे सैटरडे आपका छुट्टी रहेगा दोस्तों। सिर्फ 5 ही दिन काम करना है, वो भी 40 घंटा हफ्ते में, ठीक है, 8 घंटा एक दिन में। तो ई सी एन आर एंड ई सी एन आर दोनों पासपोर्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा डिटेल्स में दे दिया और क्या क्या वैकेंसी है अभी देख लेते हैं। तो पहला वैकेंसी है दोस्तों इलेक्ट्रिकल में टेक्निकल इवैल्यूएटर 2 आदमी की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन टेक्निकल इवैल्यूएटर में इंस्पेक्शन की 2 आदमी की ज़रूरत है। उसके बाद टेक्निकल इवैल्यूएटर का इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 आदमी की ज़रूरत है। उसके बाद लेबोरेटरी, वही टेक्निकल इवैल्यूएटर का लेबोरेटरी में 2 आदमी की ज़रूरत है। और मैकेनिकल, वो भी 2 आदमी की ज़रूरत है। उसके बाद पेट्रोकेमिकल, वो भी 2 आदमी की ज़रूरत है। और यूटिलिटी प्लांट्स के लिए भी 2 आदमी की ज़रूरत है। और मशीनिस्ट भी 2 आदमी की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इतना ही जॉब वैकेंसी निकला है टेक्निकल इवैल्यूएटर में, पूरा पोजीशन मैंने बता दिया है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अपना CV अपडेट कर लीजिए, पासपोर्ट कॉपी और जितना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट्स है, वो सब कुछ आपको ईमेल कर देना है। तो ईमेल ID इधर स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है दोस्तों। तो उसमें आपको कुछ डाउट है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप में चैट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एजेंसी का डिटेल्स दिया गया है, तो सीधा एजेंसी को कॉन्टैक्ट करना है। और ये ऑनलाइन होगा, यानी डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू नहीं है, तो आपको सीधा कॉन्टैक्ट करना है एजेंसी को। एजेंसी जो है मुंबई में, उसका एड्रेस है, तो उसका भी पूरा डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग सर्च कर रहे हैं जब, उनको थोड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं और कुछ जब वैकेंसी वीडियो के साथ।